हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार भारत के पॉपुलर शो निमकी विधायक में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि निमकी और अभिमन्यु जी बात कर रहे होते हैं और निमकी कहती है कि गंगा देवी और शुक्ला को उनके खेमे से बाहर कैसे निकाले जाए। और तभी अभिमन्यु कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। और अभिमन्यु कहते हैं कि ये जो गंगा देवी जी का अपराध के दुनिया में जड़ है वो काफ़ी है और निश्चित तौर पर उनकी पुलिस और बाकी पॉलिटिशियन में भी काफ़ी जान पहचान है। फिर निमकी कहती है कि वो अनारो जी कहाँ है, हम तो मिंटू को बोले थे अनारो को यहाँ लेके आने के लिए। और यहाँ शुक्ला और गंगा देवी बात कर रहे होते हैं और शुक्ला कहता है कि आपने इतना बेवकूफ़ी वाला काम किया है, हम तो आपकी बर्बादी पर खुश भी नहीं हो सकते। फिर शुक्ला कहते हैं कि अगर आपका नाम आएगा इस बिजनेस में तो मेरा भी नाम आएगा, हम पहले से ही जानते थे कि आप एक घटिया इंसान हैं। फिर गंगा देवी कहती है कि वाह शुक्ला जी वाह, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, आप भी बाकी मर्द की तरह अपनी कमजोरी और गलतियां छुपा रहे हैं और एक औरत को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर शुक्ला कहता है कि अगर आप अपने पति को जिंदा छोड़ी होती तो हम उन पर चिल्लाते, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमें आपका मुँह लगना पड़ रहा है। फिर गंगा देवी और शुक्ला में बहस होने लगती है और गंगा देवी कहती है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक औरत बिना किसी के मदद के इतनी ऊँचाई तक पहुँच गई है। फिर शुक्ला कहता है कि निमकी हम दोनों को बर्बाद कर दे, उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। तभी गंगा देवी कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखे क्या, निमकी के लिए हम जाल बिछा चुके हैं। फिर शुक्ला को कहती है कि जाइए थोड़ा ठंडा पीजिए और ख़ुद को ठंडा रखिए और चलिए फ़ोन रखते हैं, प्रणाम। और इसके बाद तभी अनारो देवी गंगा देवी के घर पर आ जाती है और गंगा देवी के वॉचमैन लोग अनारो देवी को पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तभी अनारो देवी कहती है कि तुम लोग को पता नहीं है मैं गंगा देवी की सहेली हूँ। फिर गंगा देवी कहती है कि किस लिए मिलने आई है आप, और तभी अनारो कहती है कि उस दिन आप कही थी कि निमकी हमसे झूठ बोल रही है, हमको धोखा दे रही है, वो सास बहू का खेल खेल रही है। फिर अनारो कहती है कि निमकी हमें उल्लू आ रही है, उसने मिंटू को ला के रख दिया है और उसे लगता है कि हमें पता ही नहीं कि ये हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा बब्बू ने हमारे गोद में अपना दम तोड़ा था। तभी गंगा देवी कहती है कि अच्छा तो ठीक है, आप निमकी से बदला लेने में हमारी मदद करेंगे क्या। तभी अनार देवी कहती है कि हाँ ज़रूर करेंगे, निमकी को हम बर्बाद कर देना चाहते हैं, निमकी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। और गंगा देवी कहती है कि हम आपके मल्लिकार को भी जेल से छुड़वाने में आपकी मदद करेंगे। फिर अनारो कहती है कि निमकी की वजह से हमने अपने बेटे को खोया, हमारे मल्लिकार जेल चले गए और हमें हवेली से दूर होना पड़ा। तभी गंगा देवी कहती है कि हम तुमको एक पेपर देंगे और उसे ले जाकर तुम्हें निमकी के घर में कहीं छुपा देना है। तो यहाँ पर गंगा देवी निमकी को फंसाने के लिए पूरा प्लानिंग कर चुकी है और उसमें अनारो की मदद ली है उन्होंने। लड़की वाला मामला जो कि गंगा देवी शामिल थी इसमें, अब ये पूरा गेम प्लान निमकी के ऊपर करेगी और निमकी को फंसाएगी इस लड़की वाले मामले में। फिर अनारो घर चली जाती है और मिंटू देखकर बोलता है कि अम्मा कहाँ चली गई थी, हम बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत ढूंढ रहे थे तुम्हें। तभी अनारो कहती है कि निमकी सीएम बनने वाले, उसने हमें बताया नहीं, हमें इस बात का बहुत बुरा लगा है। और वह मिंटू और घर वालों से झूठ बोल देती है कि वह मंदिर गई थी प्रार्थना करने के लिए और वह पेपर भी छुपा लेती है। फिर मिंटू कहता है कि हम आपको बता के जाना चाहिए था। तभी अनारो सोचती है कि ये तो हमारा बब्बू नहीं है, पर देखो बब्बू का बनने का ड्रामा कर रहा है। तभी वो मिंटू उसका हाथ पकड़ लेता है कि रूम में चलिए, और तभी अनारो मिंटू से अपना हाथ छुड़ाकर खुद ही चली जाती है, बोलती है मैं खुद ही चली जाऊँगी। और अनारो को निमकी के घर जाना होता है तो वो ड्रामा करने लगती है और वो कहती है कि निमकी बड़े बंगले में रह रही है, उसने हमें बताया भी नहीं। फिर मिंटू कहता है कि हाँ हम चले जाएंगे, कल जाएंगे निमकी जी से मिलने। फिर रेखा कहती है कि अब आप निमकी विधायक के नहीं निमकी सीएम के घर जाने वाली है। और यहाँ पर निमकी का इंटरव्यू चल रहा होता है और निमकी से सारे सवाल जो भी पूछे जाते हैं वह बोलती है कि इसका जवाब नाहर सिंह हमारे पीए देंगे। फिर निमकी से सवाल पूछे जा रहे थे कि ये जो लड़कियाँ गायब हुई है उस गिरोह को आपने पकड़वाया है, उस गिरोह का पर्दाफाश किया है आपने, आपने उन सारे लोगों को जेल भिजवाया है, आप इस मामले में क्या कहना चाहती है। फिर निमकी यहाँ इस बात से इनकार कर देती है और वह कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी गिरोह को नहीं पकड़वाया है। और यह सब सुनकर महुआ को गुस्सा आ जाता है और वह अंदर चली जाती है। फिर महुआ कहती है कि तुमने बताया क्यों नहीं, वो पकड़ी जाती ऐसा वैसा। फिर निमकी से समझाती है और कहती है कि अभी हमने उसे बता दिया होता सब कुछ तो गंगा देवी और भी सावधान हो जाती और वह कुछ ना कुछ ज़रूर कर देती। आज के एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है। कल के लिए दिखाया गया है कि अनारो देवी निमकी के घर में जा चुकी है और वह निमकी के रूम में वो पेपर छुपाने की कोशिश करती है और वह बस छुपा ही रही होती है, उतने देर में स्वेटी आ जाती है और वह पीछे से आवाज़ लगाती है अम्मा, और तभी अनारो देवी पलट के देखती है। और आपको क्या लगता है, क्या स्वेटी ने उसे देख लिया है ये करते हुए, क्या स्वेटी समझ चुकी है?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।